सीएम नीतीश कुमार वारसलीगंज में अडानी ग्रुप की सीमेंट ग्राइंडिंग फैक्ट्री यूनिट का शिलान्यास करने पहुंचे। यहां उन्होंने मंच के निकट बने हुए यूनिट की संरचना का अवलोकन किया। ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार किया, साथ में मंत्री प्रेम कुमार, नवादा के सांसद विवेक ठाकुर व विभागीय सचिव मौजूद थे। शिलान्यास के बाद सीएम पटना के लिए लौट गए। वहीं सीएम के साथ अडानी ब्रदर्स भी शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। वहीं इसके पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काशीचक की 40 एएनएम सीमेंट फैक्ट्री के रास्ते में आकर प्रदर्शन करने लगी। पुलिस अधिकारियों ने इन्हें हटवाने का प्रयास किया। ये संविदा स्वास्थ्य कर्मी फेस अटेंडेंस का विरोध करने के साथ ही समान काम के लिए समान वेतनमान की मांग को लेकर बीते कई दिनों से जिले भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को नालंदा जिले के हरनौत के द्वारिका बिगहा में मुहाने पर नदी पर बने पुल का उद्घाटन किया। 40 मीटर लंबे डबल लेन पुल के निर्माण में 5 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसका निर्माण पुल निर्माण निगम ने कराया है। इसके बन जाने से NH-20 से पश्चिम बसे हरनौत के गिर्द के ग्रामीणों को सहूलियत होगी। द्वारिका बिगहा पहुंचने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्थानीय ग्रामीणों और जिले के जदयू नेताओं का अभिवादन स्वीकार किया। ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याओं को लेकर मांग पत्र समर्पित किया। इधर नवादा पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने ककोलत जलप्रपात में पर्यटकीय सुविधाओं का लोकार्पण किया। ककोलत के मुख्य द्वार गेट के समीप लोकार्पण स्थल बनाया गया है। उनके साथ मंत्री प्रेम कुमार भी मौजूद रहे। वहीं सीएम ने गेट के अंदर में पौधारोपण किया। अमलताश का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान वह घूम घूम कर विकास कार्य जो ककोलत में हुए हैं उसका जायजा लिया। ककोलत में प्राकृतिक कुंड, चेंजिंग रूम, कैफेटेरिया, प्रशासनिक भवन, पर्यटक सूचना केंद्र, अमानती घर, पार्किंग, शौचालय, प्राथमिक उपचार केंद्र जैसी सुविधाएं बहाल कराई गई हैं। वहीं विभागीय सचिव उन्हें विकास कार्यों की जानकारी दी। बता दें कि सीएम ने सीढ़ियों पर रुककर वहां पहाड़ी से संभावित भूस्खलन, चट्टान खिसकने जैसे घटना को रोकने के लिए किए गए कार्यों के बारे में विशेषज्ञों से जानकारी ली ताकि ककोलत पूरी तरह से सुरक्षित हो। बता दें कि पूर्व में वहां ककोलत की जलधारा में कई बार बाढ़ आने की घटना हो चुकी है।